हेलो दोस्तों तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर में फ्रेंड्स जैसा कि अब ई का जो वेरिफिकेशन डेट है जो कॉल हुआ था उन लोग का उन लोग का डेट सामने आ रहा है तो इसको ले करके हम एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं सबके लिए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट जो ई को क्वालिफ़ाई किए हैं और जिनका बुलावा आया है उनके लिए वीडियो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और जो जो बता रहे उसको समझने का कोशिश कीजिएगा सबसे पहला चीज़ देखिए अभी देश में दंगा फसाद का सिस्टम चला हुआ है मतलब देख रहे रेलवे को लेकर के भी बहुत ज़्यादा आंदोलन चल रहा है और कई सारा ट्रेन यहाँ धनबाद के बीच में धनबाद और हावड़ा वाला रूट में कई सारा सारा ट्रेन को रद्द कर दिया गया है इसको ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों को एक दो चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं इसको ध्यान में रखिएगा पहला चीज़ कोशिश कीजिए एक दो दिन पहले आ जाने का कोशिश कीजिए एक दो दिन आप पहले आ जाइए यहाँ पे क्योंकि देखिए माहौल थोड़ा देख रहे हैं इधर आज ही न्यूज़ में देखें हम व्हाट्सअप न्यूज़ में कि कई सारा ट्रेन जो हावड़ा से चलता था धनबाद वाला रूट में वो ट्रेन बंद हो गया है ये आंदोलन के कारण तो ये सब को देखते हुए अगर आप पॉसिबल है तो कोशिश कीजिए कि एक दो दिन पहले आकर के ई के अगल बगल आपको आसनसोल के अगल बगल बहुत होटल मिल जाएगा कम से कम बंगाल पहुँच के रहिए आप हावड़ा पहुंच जाइए हावड़ा दूर हो जाएगा थोड़ा हावड़ा तो आसनसोल से कई किलोमीटर दूर हो जाता है लेकिन आसनसोल के करीब करीब आप पहुंच करके रहिए ताकि आपको जो है उस डेट क्योंकि देखिए सबका डेट फिक्स है फिर वेरिफिकेशन में आप नहीं पहुंच पाइएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी उस समय एक्सक्यूजेज शायद ना सुने ई इसलिए आपसे अभी हम समय रहते आपको वार्न कर दे रहे हैं कि आप जो है अभी से प्लानिंग बना लीजिए दूर का है तो कि टाइम पे कैसे पहुंचना है दूसरा बात एक और चीज़ अपना डॉक्यूमेंट को हिफाजत से ट्रेन में रखिएगा ट्रेन बस ऑटो क्योंकि चोर चमार लोग का कमी नहीं है है ना चोर उचक्का लोग जो है आपका बैग छीन के चला जाएगा या लापरवाह तो से रहिएगा तो बैग से खींच लेगा ट्रेन से ही तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका पूरा ज़िंदगी उसमें रखा हुआ है चोर के लिए वो कोई कीमती चीज़ नहीं है बाद में उसको पता चल जाएगा लेकिन उस दिन अगर आप सही टाइम पे नहीं पहुंच पाइएगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा ठीक है और ई में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो मेरा ग्रुप के द्वारा या अपना पर्सनली अगर कोई ग्रुप बनाए हैं तो क्योंकि कई सारा ई का कैंडिडेट को हमसे कुछ दिक्कत हो गया था मतलब उसका बचपना हम बोलेंगे बच्चा जैसा हरकत कर रहा है कि भाई कोई अगर डब्ल्यू का पिटीशन का पीडीएफ शेयर कर दे रहा है तो वो लोग हमसे गुस्सा हो गया कि सर अलाउ क्यों कर दे रहे हैं भाई ग्रुप है सब कोई सबको इच्छा है इंडिया में डेमोक्रेसी है सबको फ्रीडम है कोई कुछ भी शेयर करे इतना बच्चा जैसा हरकत नहीं करना चाहिए कि छोटा छोटा बात पे इतना पैनिक नहीं होया करो हम यही सजेस्ट करेंगे कि अपना कोई भी ग्रुप बनाया है या कोई आप लोग अलग से ग्रुप बनाए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग एक दूसरे के संपर्क में रहिएगा होटल वोटल का मामला में जैसे कोई बंदा को होटल मिला हुआ है अगला एक दो दिन बाद किसी का वेरिफिकेशन है लेकिन वो भी आ गया लेकिन उसको जगह नहीं मिला तो अपना रूम में जगह कम से कम उसको व्यवस्था करवाइएगा कॉपरेशन का भावना आज से ही दिल में बैठा के चलिए कॉपरेशन का भावना रहेगा आप लोग हर मुश्किल से आगे निकलते जाइएगा सेल्फिशनेस को थोड़ा सा मत रखिएगा और सारा डॉक्यूमेंट को क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा दो तीन बार क्रॉस चेक करके उसका चेक लिस्ट बना करके अपना जो आपको आइडिया लगाना है वो सब लगा करके जो है आप अपना डॉक्यूमेंट रखिएगा कोई लोकल कैंडिडेट है तो कोशिश कीजिएगा अपने पेरेंट्स को भी साथ में ले जाने के लिए कोई दूर के कैंडिडेट है तो भी कोशिश कीजिएगा कि अपने साथ कम से कम एक को कोई बंदा को कोई भाई को बड़ा भाई छोटा भाई किसी को ले जाने के लिए क्योंकि वहाँ छोटा छोटा चीज़ के लिए आपको हो सकता है किसी का ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे अगर कोई रहेगा साथ में ना तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगा इस सब के अलावा एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि इन इमरजेंसी जब कुछ भी कर, मतलब कुछ भी समझ में ना आए या कोई बहुत वर्स सिचुएशन में आप लोग फंस जाइए तो मेरा फ़ोन नंबर आप रखिएगा हम यहीं मतलब हम तो बोकारो में रहते हैं घर मेरा धनबाद हुआ आसनसोल ज़्यादा दूर नहीं है हम एक दो घंटा में पहुंच सकते हैं दो तीन बोकारो में रहेंगे तो तीन चार घंटा में पहुंच सकते हैं इन एनी केस मतलब कि इन केस आपको बहुत इमरजेंसी पड़ गया कोई बहुत बड़ा सिचुएशन हो गया किसी का तबियत ख़राब हो गया किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी के लिए का मतलब बहुत इमरजेंसी सिचुएशन पड़ गया तब आप मेरा नंबर रखिएगा हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा और छोटा छोटा बात के लिए हमसे कांटेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि उसमें फिर क्या होता है इसका वैल्यू कम हो जाएगा फिर हम इमरजेंसी वाला का कॉल नहीं रिसीव कर पाएंगे जिसको भी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो वो हमको व्हाट्सएप कीज़ लिख मैसेज कीजिएगा और ऊपर में इमरजेंसी ई लिख दीजिएगा तब हम उसका रिस्पॉन्स जो है जल्दी दे पाएंगे क्योंकि मेरे पास जो है बहुत सारा मैसेज आता है तो हर किसी को तो हम प्रायोरिटी बेस पर पकड़ नहीं पाते हैं कि किसका मैसेज ज़्यादा प्रायोरिटी का है और किसका कम प्रायोरिटी का है तो आप जो है अगर ऊपर में लिख दीजिएगा इमरजेंसी ई तो हमको पता चल जाएगा कि आप ई से रिलेटेड कैंडिडेट है और आपको कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया इसलिए आप हमसे कॉन्टेक्ट किया तो हम जहाँ तक हो पाएगा अगर वहाँ मेरा कोई दोस्त से काम हो जाता है मेरा दोस्त लोग भी रहता है अगर उन लोग से काम हो जाता है तो ठीक है और नहीं तो लास्ट में फिर हम खुद इंगेज होने का कोशिश करेंगे आप लोग का हेल्प के लिए और और एक बात की जो कैंडिडेट मेरा ग्रुप लेफ़्ट किए हैं ई सी एल कैंडिडेट वाला का ग्रुप लेफ़्ट किया है Ecl, उन लोग से हमको कोई दिक्कत नहीं है आप लोग दोबारा भी अगर ज्वाइन करना चाहिएगा तो आपको लिंक दे देंगे आप लोगों का बचपना था धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होइएगा उम्र होगा अभी आप मतलब दिमागी रूप से उतना विकसित नहीं है जैसा लग रहा था थोड़ा थोड़ा सिचुएशन में आपको अगर पैनिक होने का आदत है तो दुनिया में हर दूसरा बंदा आपको पिन मार देगा और आपको गुस्सा चढ़ा देगा और बैठ के मजा लेगा तो इस चीज़ को समझिएगा कि कौन पिन मार के आपको गुस्सा चढ़ा के परेशान करने का कोशिश करें सॉरी ई सी एल नहीं डब्ल्यू अब गलती से बार बार ई बोल दे रहे थे माफ़ कीजिएगा डब्ल्यू वाला आई एम सॉरी तो और तो कुछ विशेष नहीं है ई को लेकर के जहाँ तक हमको जो चीज़ दिमाग में आया एक सबसे बड़ा था कि ट्रेन बंद होने वाला कंडीशन हो रहा है और दूसरा चीज़ थोड़ा दंगा फसाद का सिस्टम चल रहा है तो इसको थोड़ा सा अवेयर रहिएगा कोई भी इस तरह का गतिविधि आपको कहीं नज़र आए कि मा, माहौल बिगड़ने वाला है तो आप जो है इस सब में इंगेज मत होइएगा चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो किसी का भी राइट हो या किसी मतलब कोई ट्रेन का आंदोलन सब वाला राइट हो इस सब के नज़दीक मत जाइएगा लड़ाई झगड़ा में मत फंसीेगा और एक चीज़ की कोशिश कीजिएगा ई सी एल हेड क्वार्टर का फ़ोन नंबर वहाँ का नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का फ़ोन नंबर ठीक है ये दोनों का फ़ोन नंबर आप लोग मोबाइल में सेव करके पहले से लगीएगा ताकि क्या होगा कि इन इमरजेंसी आप कॉल कर सकें ठीक है ये सब हम अपना एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं क्योंकि ये सब का जरूरत आपको पड़ सकता है भगवान ना करे आपको जरूरत पड़े लेकिन पड़ सकता है और लास्ट में तो हम बताएं कि इन इमरजेंसी अगर कोई बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो और कुछ नहीं समझ में आ रहा है जैसे घर आपका दूर है तमिलनाडु से आप आए हैं केरल से आप आए हैं या नॉर्थ साइड में उत्तराखंड से आए हैं या यूपी के एकदम सुदूर क्षेत्र तरफ से उधर क्या बोलते हैं एकदम कोना तरफ जो है ऊपर में उधर से आए हैं तो आप मेरा नंबर रखिएगा हम जहाँ तक हो पाएगा सर प्रॉमिस तो नहीं कर सकते क्योंकि हम भी बहुत बिजी रहते हैं ड्यूटी में लेकिन जहाँ तक हो पाएगा हम आपको हेल्प करने का कोशिश करेंगे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो तो अच्छा लगा होगा कि नहीं नहीं पता लेकिन उम्मीद है अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा हमारे ग्रुप के बारे में सबको बताइएगा और एक बात बता दे रहे हैं कि अपने जूनियर्स को स्पेशली बताइएगा कि हम लोग जो है ऑल इंडिया टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जिसमें क्या है कि ऑल इंडिया का रैंक भी हम लोग इशू करते हैं क्योंकि इंडिया का सारा स्टूडेंट जो भी माइनिंग का लगभग वो अगर एग्ज़ाम देता है टेस्ट देता है तो किसका कितना रैंक है प्रोफेशनली मतलब ऐसा ही छोटा मोटा टाइप से नहीं प्रोफेशनली रूप से हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं तो आपने जूनियर्स को बताइएगा ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सके या आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको जुड़ने जुड़ने से उनका फ़ायदा हो जाए तो उनको भी बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स तब तक के लिए जय हिंद